गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग, मुझे कमेंट करके बताना। और आफ्टरनून हो रहे हैं, आफ्टरनून क्या मतलब, 3 या 4 बज रहे हैं। व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है आज। अभी मैं आ गई हूँ किचन में घी निकालने के लिए। ये ना मैंने सारी जो मलाई है वो एक ही उसमें खोली थी। एक दिन क्या हुआ था, भगोना गंदा था दूध वाला, तो वरुण ने ना इस जो कढ़ाई है ना बहुत ही हल्की है, ये कढ़ाई नहीं है, ये इडली मेकर का है, तो इसमें दूध गर्म कर देता, तो उसमें काफी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सारी मलाई इसमें डाल दी है। और आज मैं फाइनली निकालने जा रही हूँ घी। मैं पिछले 5 या 6 दिन से सोच रही हूँ, फिर होता था कि चल ठीक है अभी कल, आज मैंने कहा फाइनली इसका घी निकाल लेती हूँ। वैसे तो घी बचा हुआ है, मतलब मम्मी ने जो दिया था वो है, बट मलाई अच्छी खासी इकट्ठी हुई, तो थोड़ा बहुत इसका घी निकाल लेती हूँ। और लंच हम लोगों ने कर लिया है, तो वो खाए थे येलो वाले राइस, तहरी खाई थी। शाम के लिए मैंने दाल बना के रख दिया, मलका मसूर की दाल, और आटा भी लगा के रख दिया है। तो आटा लग गया है, दाल बन गई है, अभी घी निकल जाएगा दोपहर में, तो सही है। और आज मैंने काफी सारे छोटे छोटे काम निपटाए। आज ना मैंने वॉशिंग मशीन बाहर कर दी, क्योंकि बाथरूम इस वाले में ना पूरा पानी पानी हो जाता था, तो ठंडक रहती थी, तो मशीन आज मैंने बाहर कर दी है। वरुण अभी गए हैं 1-2 सब्जी लेने के लिए, छोटी छोटी सी सब्जी, क्या क्या था मुझे तो याद भी नहीं है, चटनी बनाने के लिए, क्या चटनी बनाने के लिए धनिया मिर्ची वो लेने गए हैं, और बथुए के पराठे बनाने के लिए बथुआ लेने गए हैं, तो वो सारी चीज़ें वरुण लेने गए हुए हैं। अभी नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, और आज मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती। इस वाली कुर्ती के पीछे ना एक पूरी लंबी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही स्पेशल कुर्ती है। और वरुण का ना टेस्ट लेंगे, अभी वरुण है नहीं तो आपको बता देती हूँ, वरुण का टेस्ट लेंगे, उनसे पूछेंगे मैंने ये कब पहनी थी, और वो देखते हैं क्या बताएंगे। आपको भी मैं तभी बताऊंगी कि मैंने ये कब पहनी थी, और उनका टेस्ट जो होगा ना वो रिप्लाई, वो डिपेंड करता है कैसा होगा उनका टेस्ट होने वाला, जो उनको पता ही नहीं है। तो मैं पहले घी भी निकाल लेती हूँ और फिर चलते हैं, मतलब घी निकाल के ना रख देती हूँ। और मैं ना घी इसी तरीके से निकालती हूँ, हमारे घर जो दूध आता है ना वो पैकेट वाला आता है, और पैकेट में भी टोंड आता है या फिर काओ मिल्क आता है, मतलब फुल क्रीम कभी नहीं आता है। फुल क्रीम में तो बहुत अच्छी मलाई निकल आती है, बहुत अच्छी, पर टोंड में भी ठीक ठाक निकल ही आती है। तो मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ, उसके बाद जो मलाई इकट्ठी हो गई उसे किसी एक बड़े बर्तन में कर लिया इस तरीके से, एंड ग्राइंडर से उसे ग्राइंड कर देती हूँ। राइस से अगर चलाते तो बहुत टाइम लेता है, बट ग्राइंडर से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लेता है, और घी निकल आता है अच्छा खासा। निकल रहा है घी, मैंने सोचा कि दाल में लगा लेते हैं तड़का। तो इस वाली दाल में ना मैं क्या करती हूँ, टमाटर, प्याज और गार्लिक और हरी मिर्च यही डालती हूँ, और अरहर की दाल में भी मैं यही डालती हूँ, बट जो मसूर की होती है ना ऑरेंज वाली, उसमें मैं बस गार्लिक का लगाती हूँ तड़का, और जो ग्रीन वाली होती है उसमें तो कोई भी नहीं लगाती हूँ, कोई भी नहीं। हाँ, तो इसमें मैं चारों चीज का लगाती हूँ, तो एक प्याज, टमाटर, गार्लिक, मिर्ची, चारों चीज का तड़का, और वरुण भी लेकर आए हैं, तो शायद अभी चटनी बनाए या फिर चटनी बाद में बनाऊंगी, पहले खाना बना लेती हूँ। आजकल ना हमारा प्री डिनर हो रहा है, मतलब लाइक लंच के बाद और डिनर से पहले प्री डिनर चल रहा है हमारा, पता नहीं क्यों, 5-6 दिन से डेली हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। और मैं बहुत ही जल्दी ना अपना मॉर्निंग रूटीन लेकर आने वाली हूँ, जो मैंने 2021 में प्लान किया था कि लाइक मुझे ये करना है, सो वो रूटीन ना अपडेटेड जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन
क्या रहता है मुझे कमेंट करके बताना, और मैं तो शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन बहुत ही जल्दी। मैंने ना प्याज इसमें चॉप कर लिया इस तरीके से, बट गार्लिक कट करना मैं भूल गई थी, तो पहले गार्लिक भी कट कर लेती हूँ। गार्लिक बहुत ज्यादा नहीं लिया है इसमें, तो थोड़ा सा ही लिया है, लाइक इतना सा बस। और ये जो गार्लिक है ना, ये बहुत ही बेकार है, बेकार मतलब इतने छोटे छोटे पीस है ना इसके, कि मैं ऐसे छीलते छीलते पागल हो जाती हूँ ऑलमोस्ट। ये वरुण उस दिन जल्दी जल्दी रात में ले आए थे, और ना मैं ट्राई करती हूँ यार कौन सा वाला गार्लिक अच्छा होता है, छोटे पीसेस वाला है बड़े पीस वाला। मैं तो बड़े पीस लेके आती हूँ, छीलने में ना काफी ईजी हो जाते हैं वो, बट इस बार छोटे पीस आ गए। मुझे कुछ लोग कॉमेंट करते हैं कि मेरी आवाज ना वीडियो में आती नहीं है, तो ऐसा है क्या, मुझे कॉमेंट करके बताना यार। मैं थोड़ा तेज बोला करूँगी या फिर माइक का यूज किया करूंगी नॉर्मल व्लॉग्स के लिए भी, तो अगर ऐसा है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठीक रहती है ऐसे ही। ये ना मतलब मेरा तो लगता है कि वो था ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपका वही है, मेरा किचन में बिल्कुल राइट हैंड है यार, इसके बिना बड़ा मुश्किल है। जो यूज ऑयल होता है वो मैं इस तरीके से ना रख देती हूँ किसी कंटेनर में, और फिर से यूज करती रहती हूँ। बस मैंने ऑयल डाला, फिर मैंने जीरा डाल दिया, और जैसे ही जीरा थोड़ा चटक गया मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया, एंड मैं दाल में ही डाल चुकी थी नमक और हल्दी, तो वो सब मैं ऐड नहीं करूँगी, बट थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करूँगी जब लगेगा कि प्याज पक गई है थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट तक के लिए। उसके बाद टमाटर एक चॉप करके डाल दिया, एंड ये वाला तड़का बहुत टेस्टी लगता है, मतलब गार्लिक का जो फ्रेग्रेंस आता है खाने में, टेस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और दाल मेरी पूरी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी, मैंने इसमें 5 या 6 विसल ले ली थी। ये वाली दाल थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, या तो आप इसे सोक करके रख दो, तो मैंने सोक नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं था, बस मैंने इसे बॉईल कर दिया था। इसे मिक्स कर दूंगी एंड 5 से 7 मिनट के लिए ना इसे थोड़ा सा ऐसे पकने दूंगी। तो ये देखो घी भी ना ऑलमोस्ट निकल आया है, मतलब मैक्सिमम ये 5 से 7 मिनट और लेगा, 10 मिनट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमारा घी निकल चुका है यार, और काफ़ी अच्छा खासा घी निकल आया है देख रहे हो। और यहाँ पर दाल हो रही है गरम, घी मेरा बन चुका है, और जैसे मैंने दाल खाली की ना तभी मुझे लगा कि यार जब कुकर खाली हुआ है तो मैं इसमें चावल चढ़ा देती हूँ, और ये सारे मैं खड़े मसाले डालती हूँ, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग और 3 तेज़पत्ता, 3-4 दालचीनी थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक, और चावल को मिक्स कर देती हूँ और जीरा डालती हूँ देसी घी में, उसके बाद चावल को मिक्स करके रख देती हूँ, एंड बहुत यमी वाला जीरा राइस बनता है। कितना अच्छा खासा ना घी निकल आया है, अब बस इसे छान के मैं एक डब्बे में पलट लेती हूँ। अभी जो घी को मैं पलट के रख लूँगी, एंड मैंने पता है एक बार क्या गलती की थी यार, पता है मैंने प्लास्टिक की छलनी यूज़ कर ली थी, एंड कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे इतना आइडिया नहीं था, और वो पूरी छलनी मेरी जल गई थी, तो ये वाली जो स्टील वाली छलनी ना इसको मैं घी के टाइम पर यूज़ करती हूँ, मतलब घी के लिए ही लेके आई थी, चाय के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। जब तक मेरे राइस में 2 विसल आ चुके हैं, इसको बंद कर देंगे और घी को पलट के रख देते हैं ठंडे होने से पहले, क्योंकि विंटर्स हैं फिर जम जाएगा, गर्मियों में तो वेट कर भी लेते हैं, अभी तो ये है कि जल्दी पलट दो। मैंने सारा जो घी है ना वो पलट लिया है, और ये देखो कुछ भी नहीं बचा है, एंड मैं दिखाती हूँ कितना घी निकला है। सो ये मेरा डिब्बा है, पता नहीं मुझे क्या साइज़ होगा इसका आइडिया नहीं है, बट ये देखो पूरा भर गया है, मुझे इतना पता है, मैं डेली यूज़ में ना यही डिब्बा यूज़ करती हूँ, एंड ये पूरी तरीके से भर चुका है। तो बस ये खाली था, बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था इसमें, इतना घी निकला है। आइडिया आप ले लो यार क्या डिब्बे का साइज़ होगा, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। सो मेरा किचन का ना ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, घी निकल गया है और दाल बन गई है, मैंने राइस भी बना लिए, वैसे प्लान नहीं था राइस बनाने का, बट फिर मन किया कि चल बना लेती हूँ, राइस बना लिया। और इतनी देर में ना देखो शाम हो गई, अंधेरा हो गया है, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, चलते हैं एक बार बाहर, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, कैसे पता चलेगा इस झंडे से, ये देख रहे हो इतनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, बट ये गेट बंद कर देते हैं तो ठीक रहता है, इतना कुछ ठंडा नहीं रहता है। और यार इतना कंस्ट्रक्शन होता है ना यहाँ पे, इतना कंस्ट्रक्शन की रात भर, आजकल तो शायद यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से ना काम रुक गया था, तो जिन लोगों ने घर लिए रखे थे यहाँ पे ऑलरेडी, तो उनका इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं, और अच्छे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, तो इतना काम चल रहा है दिन रात पूरा टाइम काम चलता है, इतना कंस्ट्रक्शन, ओ माई गॉड, सिर दर्द हो जाता है हमारा। मीटिंग ख़त्म हो गई क्या आपकी?
और उनकी मीटिंग खत्म होने का वेट कर रही हूँ। खत्म होते ही अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। मतलब इतने देर से हूँ किचन में लेकिन काम खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी मैं सोची थी बैठूंगी 10 मिनट, अभी रोटी बनाते हैं। सो हैक्टिक। मैंने यहाँ पे सैलेड कट कर दिया है और सैलेड में आज प्याज, हरी मिर्च और बनाना भी कट किया है, पता नहीं क्यों बट किया है, क्योंकि मैं ना बन कर रहा था। आप लोगों को क्या लगता है हमारा मतलब हाउसवाइफ का 24 आवर्स में से कितने घंटे किचन में जाते होंगे, मुझे कमेंट करके बताना यार। मुझे जो लगता है वो लगता है कि मतलब 4-5 घंटे तो चले ही जाते होंगे ना। हाँ, इतना तो आइडिया नहीं लग पाता है, 4-5 घंटे तो हो ही जाते होंगे। आप लोग बताना कमेंट करके, मतलब डेली नहीं, डेली जो डेली का एवरेज निकालना है वो 2 से 3 घंटे। हाँ, और जो वैसे मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ स्पेशल बन रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो 4 से 5 घंटे। आप लोग बताना, मेरा तो अनुमान ये कहता है 4 से 5 घंटे और ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे। मेरा 2 चपाती, राइस, दाल, और राइस ना मैं जीरा राइस बनाती हूँ यहाँ, तेज पत्ता ये सब डाल के, और ये रहा सैलेड। रात के बज रहे हैं 11:15 और मैंने अभी एक वीडियो शूट किया, उसे एडिट किया, थोड़ा सा नैप लिया खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और अभी आता है मेन टाइम। अब आप समझ गए कौन सा वाला मेन टाइम, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया था वो वाला मेन टाइम है। एंड वरुण को नहीं पता है क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है आपके साथ। क्या होने वाला है? अच्छा पहले बताओ कि खाना कैसा था, केबीसी खेलते हैं, खाना कैसा था? बहुत बढ़िया था। क्या बनाया था आज खाने में? दाल चावल। अच्छा, मैं कैसे लग रही हूँ? बढ़िया लग रही हूँ। मैंने आज क्या पहना है? ब्लैक और पिंक कलर की वो, ठीक है। और ये मैंने, अच्छा आपको यार ये याद है कि मैंने कहाँ से खरीदा था ये? आपने गुड़गांव से? हाँ गुड़गांव से। अच्छा, मैं और आप दोनों गए थे या मैं अकेली थी? आप अकेले गए थे, मैं नहीं था। अच्छा, गुड़गांव में कहाँ से आपको याद है? नहीं पता। अच्छा कोई नहीं, अभी रुको, नहीं पता। अच्छा लेकिन क्या चल रहा है केबीसी? अभी केबीसी का आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। अच्छा आपको ये नहीं याद? मैंने, अच्छा ये गुड़गांव से खेला था इतना तो याद है ना कंफर्म? अच्छा नहीं, शायद वायद नहीं, केबीसी चल रहा है नहीं, बताना तो पड़ेगा, केबीसी चल रहा है, आउट हो जाओगे, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, जबरदस्ती है ये। बताओ आपको ये मतलब, ये कहो कि हाँ मुझे नहीं याद, या तो या फिर ये कहो कि हाँ खरीदा था गुड़गांव से, ये बताओ क्लियर अपना। ये मेरे ख्याल से अलीगढ़ से लिया था। आप गए थे या मैं अकेली थी? अकेले थे आप। अच्छा, तो ये बताओ कि ये विंटर का है समर का है? ये है तो विंटर का। अच्छा विंटर्स का है। इस विंटर में मैंने पहली बार पहना है ये, या मतलब पहन चुकी हूँ, आपको ऐसे याद है क्या? पहली बार पहना है। अच्छा लास्ट वाले विंटर्स में पहना होगा एक दो बार तो, है ना? तो अब मैंने पहली बार का पहना था, आपको याद है क्या कुछ? नहीं याद। कब? यही केबीसी का मेन क्वेश्चन था, 7 करोड़ वाला, बता कब? दोनों कपड़े जब हमारी फर्स्ट डेट थी, डेट थी हमारी फर्स्ट। पता ना कब, कहां पे? पहली बार हम अकेले मिले थे, हम अकेले मिले थे, कहां पे ये पहना था मैंने? हाँ चलो यही याद कर, तुम केबीसी के 7 करोड़ रुपए को हार चुके हो, कहां मिले थे हम अकेले, बता मुझे भी याद दिलवा दो। मोती महल में ये पहना था। फ्लैशबैक में जाओ अच्छे तरीके से, मैं कैसे आई थी, कैसे एंटर हुई थी मैं, और मैंने क्या पहना था वहां पे, आपको वो बहुत अच्छे से याद है, वरना आप ना 7 करोड़ तो हार ही चुके हो। और आपको बस आप किसे देख, चीटिंग नहीं, अरे फोटो में देख के चीटिंग कर रहा है, चीटिंग नहीं है। ये बताओ आप। नहीं, ये मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। हाँ, अब मैं क्लियर कट बताता हूँ। ये हम जब रिंग पसंद करने जा रहे थे तब आप पहन के आए थे, इसमें नहीं है ये। तो लेकिन आप हार चुके हो, व्हाइट कलर के, आप हार चुके हो। बेसिकली मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं, ये मैंने गुड़गांव से खरीदा है, मैंने अलीगढ़ से खरीदा है, ये है वो है। नहीं, हम लोग ना वो होटल गए थे ना उसमें भी, तो इससे क्या मतलब है? तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना तब मैंने ये पहना था, हम लोग जब रिंग परचेज करने गए थे अपनी एंगेजमेंट की, और जब हम मोती महल में मिले थे तो मैंने व्हाइट वाला सूट पहना था। ये तो सही बोला था ना मैंने, रिंग वाला तो बिल्कुल नहीं, लास्ट में बोला है। अरे यार आपने पहले ही कहा गुड़गांव में खरीदा है, फिर कहा अली, क्या सही बोला है।
पहले कहा गुड़गांव में खरीदा है, फिर कहा अलीगढ़ में खरीदा, फिर आपने कहा कि वहां मोती महल में बना था। झूठ नहीं, इतना गंदा वाहियात आपने झूठ बोला, वो कुछ नहीं याद इसका ये मतलब है। और मुझसे पूछ लो आपने क्या पहना था, मैंने फर्स्ट टाइम अपने मुझे देखा हो क्या पहना था, बताओ क्या पहना था, मुझे तो याद है। मुझे आप बताओगे तो ब्लू वाला वो पहना था, वो जो जैकेट है आपका ब्लू वाला, वो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पिटेगी ये लड़की ये कट नहीं होगा, ये सच्चाई है इसकी, ये कट नहीं होगा, आपने वही पहना। और मैंने आपको ये फुल ड्रेस दिखा देती हूँ एक बार कि मैंने क्या पहना था। ये ना ब्लैक कलर की वूलन लेगी है एंड इसके साथ ये पिंक कलर का कुर्ता है। मेरा कितना गंदा हो रहा है, मैंने पोंछा नहीं आज। और पिंक कुर्ता है, उसके ऊपर ना ये जैकेट टाइप्स है और इस पर ना थोड़ा सा ऐसे शिमरी शिमरी वाला वर्क हो रहा है। इसका जो नेक है वो नेट में है इस तरीके से। सो ये मैंने तभी परचेज किया था, लाइक जिस दिन हम लोगों को कोई इंगेजमेंट की रिंग खरीदी थी ना, उससे एक दिन पहले शायद, प्रोबेबली, या फिर 2 दिन पहले। तो मतलब फर्स्ट टाइम तभी पहना था। सो ये कुर्ता है और ये जो है ये अटैच है, मतलब इसमें अटैच्ड है, ये इसमें इसकी स्लीव्स नहीं है पर्टिकुलरली, ये इसके ऊपर से अटैच्ड है, सिली हुई है ये स्लीव इसी के यहाँ। तो ये एक कुर्ती है और ब्लैक वूलन लेगी थी और ब्लैक हील्स थी जूतियाँ। तो ये ना मैंने फर्स्ट टाइम तभी पहना था। और वो वाली जो पिक है ना, वो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूंगी, डेफिनेटली एक पिक तो दो पिक तो लगाऊंगी लगाऊंगी। उस दिन ना कौन सा ईयर होगा, वो कौन सा ईयर हुआ, कौन सा ईयर होगा यार, वो रूम 2016 या 17 17 था। और उस दिन 31 दिसंबर था। उसके बाद हम लोग फिर क्वालिटी गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था और केक लिया था न्यू ईयर के लिए, फिर अपने अपने घर जाके केक कट किया था। और मोती महल में हम लोग गए थे शादी के बाद, तब मैंने वाइट वाला सूट पहना था, उसके फोटोज़ भी हैं, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो इंगेजमेंट के बाद गए थे तो वहाँ पर हमने इंगेजमेंट के रिंग्स के अपने फोटोज़ ना क्लिक कराए थे। तो ये इसलिए ना थोड़ा यादगार सूट है। एंड मैंने वरुण का टेस्ट लिया, वरुण फेल हो गए, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। और ये देखो एक्टिंग देखो, वरुण के फेल होने के बाद जो एक्टिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया, वरुण तो मैं सच में नहीं आता ना यार, मुझे सब याद था, वरुण हर्ट्स में, मेरा दिमाग से मैं बड़ा थका हुआ था। ओ एक्टर ये देखो ये मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा इस चीज के लिए। सॉरी Am I fool? अरे यार ये कैसा है, अब नहीं बताऊंगी तुझे यार, ये बहुत बहुत बदतमीज लड़का है, बहुत बदतमीज। चलो बस मैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ एंड फेस वॉश करती हूँ, मैंने अभी तक इयररिंग्स भी नहीं उतारे हैं। और मेरा किचन भी सारा का सारा साफ हो गया, क्लीन हो गया है बस यार। वरुण आप दूध पियोगे क्या, मतलब निकाल दूँ क्या, चलो ठीक है तो बस चलते हैं अभी सोने के लिए। मेकअप रिमूव, बस मुझे फेस वॉश करना है, कपड़े चेंज करने हैं, और तो बिग बॉस तो नहीं देखेंगे, 12 बज गए आज क्योंकि मैं एक वीडियो शूट करने बैठ गई थी, वही होता है 11:53 हो रहे हैं, वही होता है यार, वीडियो शूट कर लो या फिर रील्स बना लो, आज एक भी रील नहीं बन पाए। और मैंने अभी तक इयररिंग्स नहीं उतारे हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं ये, बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। जब भी मैं लेकर आई थी ना स्टार्टिंग में, तब मैंने नहीं पहने थे, मुझे अच्छे कम लगते थे, बट अभी ये अच्छे लगते हैं। और जो दूसरे वाले थे ना, वो पहले ज़्यादा अच्छे लगते थे, अभी कम अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि मैं ड्रेसिंग टेबल का अपना टूर शेयर करूं, अभी तो इतनी गंदी हो रही है ना, मैस हो रखा है पूरे में, ये देखना इतनी गंदी हो रखी है ये, क्योंकि सामान फिर इधर उधर हो जाता है, कभी कुछ निकाल रही हूँ कभी कुछ निकाल रही हूँ। बैंगल्स मेरे पास अभी इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक तो ये लगी हुई है वो अलग है, नीचे अंदर रखी हुई हैं वो अलग हैं, मतलब काफ़ी बैंगल्स हो गई हैं। तो ड्रेसिंग टेबल एक दिन क्लीन करूँगी तो शायद आप लोग के साथ टूर शेयर करूँ अपना ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल का, वैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। चलो इस वाले व्लॉग को ना फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया होगा शायद ये वाला व्लॉग, मुझे तो पता भी नहीं है। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल सुबह एक नए वाले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।